हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। आज हम मल्टी प्रोफाइल पोस्ट के रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एरोनॉटिकल, केमिकल, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, टेक्सटाइल, कंट्रोलर, असिस्टेंट एंड लेबर ऑफिसर एंड वेरियस मोर, राइट। सो ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिलीज किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे आपको नंबर ऑफ वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रेस्ट ऑफ अदर्स थिंग। एंड फ्रेंड्स, एक और इन्फॉर्मेशन, मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का लाइव सेशन होता है 7:30 बजे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी डे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सभी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए उस क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो 7:30 बजे मॉर्निंग में जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। सो इसको देखते हैं फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन को, क्या अपडेट है इसमें। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस के द्वारा, कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें कि फोरमैन की प्रोफाइल है एरोनॉटिकल के लिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एक ही है, और इसमें पे स्केल लेवल 7 रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है एरोनॉटिकल में बीटेक चाहिए, एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें। और यहाँ पे मेम्बर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, और इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है, राइट। एंड फिर फोर्थ वैकेंसी है फॉरमैन केमिकल के लिए, बीटेक के बाद। इसमें आपका केमिकल में लाइक ग्रेजुएशन चाहिए या बीटेक, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है। नेक्स्ट है आपका टू वैकेंसी फॉर फॉरमैन कंप्यूटर आईटी के लिए, और इसमें जो है फ्रेंड्स आपका बीटेक चाहिए। एंड देन फिर इसमें कोई एक्सपीरियंस, इसमें भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड नाउ वन वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें बीटेक के बाद आपका, इसमें भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन रिलिवेंट फील्ड। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वन वैकेंसी है, और इसमें भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, राइट। एंड उसके अलावा यहाँ पे टू वैकेंसी मेटलर्जिकल के लिए है, जिसमें बीटेक चाहिए, एंड देन फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है, राइट। सो अच्छी खासी पैकेज आपको इसमें मिलने वाली है। टेक्सटाइल में 2 वैकेंसी है, और बीटेक चाहिए टेक्सटाइल से, एंड देन फिर इसमें भी आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है फ्रेंड्स, राइट। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। नाउ डिप्टी डायरेक्टर, राइट, एम्प्लॉयमेंट इन डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12 है, और इसमें जो है फ्रेंड्स कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, मास्टर डिग्री अप्लाई कर सकता है, सॉरी, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब में। एंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। इसके अलावा 47 वैकेंसी है आपका असिस्टेंट कंट्रोलर के लिए, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं 47 वैकेंसी। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी माइनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज, इसमें जो है आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, राइट। और 47 वैकेंसी है, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसमें, राइट। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1 वैकेंसी फॉर लेबर ऑफिसर्स के लिए है, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा है सोशल वर्क में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। नाउ लास्ट डेट है इसमें, आप देख सकते हैं 11 फरवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, एंड 2 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। upsc.online.nic.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इसमें जो है फ्रेंड्स, आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड साइन सिग्नेचर, ये सारा प्रिपेयर रखिएगा बिफोर फिलिंग द फॉर्म, राइट। सो यहाँ पे देखिए, आपका जो है रिटेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, राइट। एंड फिर एप्लीकेशन फी 25 रुपीज़ है, SC ST PWD वीमेन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। सो अप्लाई कीजिए आप, अगर कोई डाउट होता है, एंड देन सिलेबस वो मैं आपको शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, लाइक टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पे डेली बहुत सारे
वैकेंसी के बारे में अपडेट मिलता है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, सभी लाइक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो गुड लक, मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।